सो गाइस, पानी शरीर के लिए अमृत की तरह होता है। इंसान के शरीर में लगभग 70% भाग जो होता है वो पानी का होता है। ये शरीर के अंगों को हाइड्रेट रखता है और उसको सुचारू रूप से बनाए रखता है। हम अक्सर सुनते हैं कि दिन में कम से कम 6-7 गिलास पानी पीना हमारे लिए जरूरी होता है और गर्म पानी पीने के तो फायदे ही अनेक है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अन्य चीजों की तरह शरीर में भी पानी का अधिक होना और कम होना दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। वहीं अगर गर्म पानी भी हम जरूरत से ज्यादा पिएंगे तो उसका नुकसान हो सकता है। तो आप सभी पानी अपने वेट के और हाइट के अकॉर्डिंग ही पीजिए। सो सलाम, सस्रियाकाल, नमस्ते, हेलो गाइस, कैसे आप सभी? अच्छे ही होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज हम जब बात करेंगे गर्म पानी पीने के फायदे, पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो गाइस, अगर आप मोटापे से परेशान हैं और इसे कम करना चाहते हैं तो रोज सुबह एक गिलास गर्म पानी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। जी हाँ, जब आप एक गिलास गर्म पानी पियेंगे ना तो इससे क्या होगा, शरीर में जो जमा वसा होता है वो धीरे 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 गलने लगता है और जिसकी वजह से आपका जो वेट है, वजन, वो कम होना शुरू हो जाता है। रोज सुबह गर्म पानी पीने से पाचन शक्ति जो होती है वो दुरुस्त होती है, जो खाने को अच्छे से पचाने और डाइजेस्ट करने में मदद करती है और पूरी सेहत को सही बनाए रखती है। गर्म पानी पीने से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बेहतर रहता है। इतना ही नहीं, गर्म पानी पीने से पूरे शरीर के जो विषैले पदार्थ होते हैं ना, टॉक्सिन्स, वो शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। बदलते मौसम में हेल्थी बने रहने के लिए रोज सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी में नींबू निचोड़ के उसको अच्छे से मिक्स करके पी लीजिए। इससे क्या होगा, आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो भी गर्म पानी पीना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। ऐसे में आपको सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। अगर आपकी छाती में जकड़न है या जुकाम की शिकायत आपको अक्सर बनी रहती है तो ऐसे में गर्म पानी आपके लिए दवा का काम करती है। गर्म पानी पीने से आपके गले जो है ठीक रहता है और छाती को भी आराम मिलता है। अगर आपको बुखार है तो गर्म पानी यहाँ पे दवा का काम करती है। तेज सा गर्म पानी कीजिए और उसके बाद उसको चाय की तरह सिप सिप करके पी लीजिए, फिर उसके बाद कंबल ओढ़ के सो जाइए। दिन में ऐसा आपको 3 से 4 बार करना होगा, 3 से 4 बार गर्म पानी पीना होगा। इससे क्या होगा, आपका जो बुखार होगा वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि पीरियड्स के दिनों में अगर आपको सिर दर्द रहता है, पेट दर्द रहता है या फिर पैरों में दर्द की शिकायत रहती है तो भी गर्म पानी पीने से आपको फायदा मिलता है। इतना ही नहीं, गर्म पानी जो आप पियेंगे ना उससे जो पेट की मांसपेशियों में ऐठन बनी रहती है ना, उसको भी आराम मिलता है और उसको तुरंत ठीक करती है। गर्म पानी पीने से एसिडिटी से भी छुटकारा मिलता है। दरअसल क्या होता है कि एसिडिटी पेट खराब होने से होती है। अगर आप रोज सुबह एक गिलास गर्म पानी पियेंगे तो इससे आपका पेट जो है वो ठीक रहेगा और फिर आपको एसिडिटी की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इन दिनों मौसम बदल रहा है, ऐसे में कई लोगों को गले खराश होना या फिर जुखाम होना, खांसी होना, इसका सामना करना पड़ सकता है या फिर कर रहे हैं। अगर आपको भी ये समस्या से परेशान है तो आज से ही गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए। गर्म पानी आपके गले में जो ड्राइनेस होते हैं ना, सूखापन, उसको खत्म करता है। हो सकता है कि हर महीने होने वाले पीरियड्स में आप दर्द से परेशान रहते हो, ऐसे में हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जो आपको इस परेशानी से दूर कर देगा और इसमें राहत देगा, और वो है गर्म पानी। इस दौरान अगर आप गर्म पानी पियेंगे और साथ ही साथ गर्म पानी से अपने पेट की सिकाई करेंगे तो आपको आराम मिलेगा।
वजन कम करें। अगर आपका वेट लगातार बढ़ रहा है और लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद अजवाइन का पानी बनाकर उसको छान कर पी लीजिए। सर्दी जुखाम से राहत। बेमौसम भी आपको अगर छाती में जकड़न जुखाम की शिकायत रहती है तो गर्म पानी पीना आपके लिए रामबाण से कम नहीं है। गर्म पानी पीने से गला भी ठीक रहता है और इसके सेवन से आराम भी मिलता है। पीरियड्स बनाए आसान। पीरियड्स का दर्द आपके भी सारे कामों में ब्रेक लगा देता है, तो गर्म पानी पीने से आपके जो पेट का दर्द है उसमें आराम मिलता है। साथ ही साथ अगर आप गर्म पानी से अपने पेट की सिकाई करते हैं तो पेट को भी आराम मिलता है और पीरियड्स जो है वो खुल के आते हैं। बॉडी करें डिटॉक्स। गर्म पानी पीने से बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है और यह शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बहुत आसानी से साफ कर देता है। गर्म पानी पीने से शरीर का तापमान बढ़ने लग जाता है जिससे पसीना आता है और इसके माध्यम से शरीर के जो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, विषैले पदार्थ, वो सारे बाहर निकल जाते हैं। बढ़ती उम्र को थाम ले। चेहरे पे पड़ती हैं झुर्रियां। अगर आप भी हैं इससे परेशान तो चिंता की कोई बात नहीं है, तो आज से ही गर्म पानी पीना कर दीजिए स्टार्ट और कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे इसका कमाल। जो चेहरे की त्वचा होगी ना, स्किन, उसमें आने लगेगा कसाव और चमकदार भी होने लगेगी। बालों के लिए है फायदेमंद। इसके अलावा गर्म पानी जो होता है वो बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे बाल जो होते हैं हमारे चमकदार भी बनते हैं और इनकी ग्रोथ के लिए भी ये गर्म पानी जो होता है वो फायदेमंद होता है। पेट को रखे दुरुस्त। गर्म पानी पीने से पाचन क्रिया अच्छी रहती है और यह गैस की समस्या भी होने नहीं देती। खाना खाने के बाद एक कप गर्म पानी पीने की आदत जरूर डालें। ऐसा करने से खाना जो है वो जल्दी पचता है और पेट को हल्का भी रखता है। ब्लड सर्कुलेशन को सही रखना। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए खून का जो संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में, वो सही से चलना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें गर्म पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही रखने के लिए। शरीर की एनर्जी बढ़ाए। सॉफ्ट ड्रिंक की जगह अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं या फिर पीते हैं नींबू पानी, तो इनको पीने से आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ेगा और इसी के साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी सही रहेगा। जोड़ों का दर्द करें दूर। गर्म पानी जोड़ों को चिकना बनाता है और जोड़ों का दर्द भी कम करता है। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसका 80% भाग पानी से बना होता है, इसीलिए पानी से मांसपेशियों की ऐंठन दूर होती है और गर्म पानी पीने से नस पे नस भी नहीं चढ़ती है। सो गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड टिप्स और डिजीज प्रॉब्लम को इजी वे से सॉल्व और समझाने में आपकी हेल्प करती हूँ। सो गाइज, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे और मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।